गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस दिस इज़ योर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर फाइव ये आपका रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर फाइव का थेसरस के बारे में पढ़ेंगे ये क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है ठीक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ अ थेसरस लेट्स यू रिप्लेस अ वर्ड विद इट्स सिनोनेम सिनोनेम्स के साथ एक वर्ड को रिप्लेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिनोनेम्स मतलब होता है उसके जैसा वर्ड सिमिलर उसी तरह का वर्ड ठीक है फॉर एग्जाम्पल इलीटेड एंड जॉयफुल आर द सिनोनिम ऑफ ईच अदर इलीटेड और जॉयफुल क्या है एक जैसे वर्ड है इनका मीनिंग एक जैसा है तो ये क्या हो गया सिमिलर हो गए सिनोनेम हो गए ठीक है इसको ओपन करने का स्टेप क्या है फर्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट द वर्ड फर्स्ट स्टेप आपका सेलेक्ट द वर्ड पहले हम उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें वर्ड को रिप्लेस करना है ठीक है ऑन द रिव्यू टैप फिर हम रिव्यू टैब पर जाएंगे एंड क्लिक थे फिर थे पे हम क्लिक कर देंगे टू यूज़ वन वर्ड ऑफ द लिस्ट रिजल्ट पॉइंट एंड क्लिक इंसर्ट एक ट्यूल आएगा एक लिस्ट आएगा वहाँ से हम कोई उसे सिमिलर वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे ठीक है इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो जो हमारा वर्ड है वहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट है वर्ड काउंट वर्ड काउंट कैसे होता है वर्ड को हम कैसे काउंट कर सकते हैं गिन सकते हैं टू काउंट द नंबर ऑफ पेजेस हमें नंबर ऑफ़ पेजेस पेज के कितने नंबर है वो काउंट करने के लिए या फिर वर्ड को काउंट करने के लिए कैरेक्टर लेटर्स को पैराग्राफ एंड लाइन एंड डॉक्यूमेंट पैराग्राफ और लाइन को इन सारी चीज़ों को अगर हमें काउंट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे फॉलो दिस स्टेप हम ये स्टेप को फॉलो करेंगे फर्स्ट स्टेप है क्लिक रिव्यू टैब पहले हम रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे उसके बाद वर्ड काउंट पे ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे जहाँ पर एरो है द वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स अ शोइंग द डिटेल जो आपका वर्ड काउंट वर्ड काउंट वाला बॉक्स है वो आपका ओपन होकर आ जाएगा यहाँ से आपको जो भी वर्ड पैराग्राफ लाइन कैरेक्टर लेटर्स सेंटेंसेस जो भी काउंट करना है वो आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन करके देख सकते हो कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में अपने पेजेस में कितने वर्ड राइट किए हैं कितने सेंटेंसेस राइट किए हैं कितने पेज राइट किए हैं ओके okay? नेक्स्ट है पासवर्ड कोई भी चीज़ अगर आपको सेफली रखना है तो उसके लिए हम पासवर्ड का यूज़ करते हैं तो पासवर्ड का यूज़ करते हैं हम कोई भी चीज़ को सेफ रखने के लिए तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे अप्लाई किस तरह से करेंगे आई देखते हैं सम टाइम वी नीड द कीप कंटेंट ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट सीक्रेट हम वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ सीक्रेट रखना चाहते हैं ठीक है सब जो सारे लोग ना देख सकें ओपन होकर के सिर्फ हम देख सकें उसके लिए हम क्या करते हैं पासवर्ड लगाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेटेस्ट प्रोटेक्ट और डॉक्यूमेंट विथ पासवर्ड तो हम अपने डॉक्यूमेंट को अपने फाइल को पासवर्ड के थ्रू सेफ रख सकते हैं बचा सकते हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना तो पासवर्ड के लिए हम कौन कौन से स्टेप को यूज़ करेंगे फर्स्ट है क्लिक फाइल टैप पहले हम फाइल टैप पर जाएंगे फिर इन्फ़ो पर जाएंगे जो लिस्ट ओपन होकर आएगी फाइल पर जाने के बाद तो वहाँ पर हम इन्फ़ो पर जाएंगे इन्फो पर जाने के बाद प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट बॉक्स आएगा आपका ठीक है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट बॉक्स पे हम क्लिक कर देंगे प्रोटेक्ट दो ये फिर इनक्रपट्टेड विथ पासवर्ड आया है यहाँ पर जाएंगे फिर हम क्या करेंगे ओके कर देंगे सेकेंड स्टेप में देख लीजिए या तो ये तो आप फिगर से समझ रहे हो आप सेकेंड स्टेप पढ़ेंगे क्लिक और इनक्रप्टड विद पासवर्ड जैसा कि मैंने बताया क्लियर इनक्रप्टड विद पासवर्ड पे क्लिक करेंगे इन द अप मेनू दैट अपीयर एक मेनू ओपन होकर आएगा इन द इनक्रप्टड डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स टाइप पासवर्ड क्लिक ओके इनक्रप्टड डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें आप जिस तरह का पासवर्ड डालना चाहते हो आप डाल के क्लिक ऑन ओके ओके पे क्लिक कर दोगे इन द कन्फर्म पासवर्ड डायलॉग बॉक्स जी टाइप द पासवर्ड एंड क्लिक ओके फिर से वो आपसे वही पासवर्ड पूछेगा जो आप पहले डाले हो ठीक है पासवर्ड आपको दो बार दो बार में डालना है जो आप पहले डाले हो वही दोबारा डालोगे ताकि वो पासवर्ड कन्फर्म हो जाए कि आपने यही पासवर्ड डाला है उसी पासवर्ड को हम रीराइट करेंगे फिर से लिखेंगे और फिर से ओके okay पर क्लिक करेंगे टू सेव द पासवर्ड फिर हम पासवर्ड टू सेव द पासवर्ड ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा पासवर्ड क्या हो जाएगा उस फाइल पर सेव हो जाएगा लग जाएगा सेव द फ़ाइल फिर आपकी फ़ाइल जो है वो क्या हो जाएगी सेव हो जाएगी प्रोटेक्ट हो जाएगी फिर उसको आप सिर्फ आप ही ओपन कर पाओगे पासवर्ड आप ही जानते हो ठीक है आप जो भी पासवर्ड लगाओगे उसके थ्रू आप ही उस फाइल को ओपन कर पाओगे और कोई दूसरा ओपन नहीं कर पाएगा यहाँ पे आपका चैप्टर इनफ होता है बेटा ठीक है जो भी प्रॉब्लम आई है या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट uh, हो रही है डाउट क्रिएट हो रही है वो आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो और नेक्स्ट तो आप लोग को स्कूल ही आना है कल से टमोरों से तो वहाँ हम सारी डाउट्स को क्लियर करेंगे ओके थैंक यू सो मच